मैं कुछ नहीं, मैं मारूंगा नहीं, हाथ में आऊंगा पक्की बात। अभी तुम्हें बताता हूँ आगे क्या सीन होगा, बस पहले ही देख लो। गार्ड ने कहा कि भाई इसके झापड़ी मारना था अभी एक दूसरे गार्ड से, ये कहा एक स्टूडेंट के लिए कि भाई इसके झापड़ी मारना था अभी एक, मजाक हो रहा है क्या, झापड़ मारना था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ शशांक ठाकुर एके जी रेड शशांक लाइफ। तो भाई स्वागत है आप लोगों का मेरी जिंदगी के एक और नए दिन में। और भाई तुम देख सकते हो आज देहरादून का मौसम बड़ा ही, जिसे बोलते हैं ना, बादल बादल वाला हो चुका है। और देखो ये सब बेचने वाले तभी आते हैं, ये देखो ये सब तभी आते हैं जब मैं व्लॉग शुरू करता हूँ। इतनी देर से मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब शांति रहा, ठक पक पक कुछ नहीं। अभी मैंने व्लॉग शुरू करा और आवाज़ आनी शुरू, कोई बात नहीं भाई, इग्नोर करते हैं। बाकी देख सकते हो आज मैंने जैकेट वैकेट पहन लिए, कॉलेज ही जा रहे हैं, बस रास्ते के लिए पहनी क्योंकि भाई तुम देख सकते हो आज थोड़ा सा ठंडा वेदर है। और मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूँ, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया तो तुम्हारे लिए व्लॉग कौन बनाएगा रोज। बाकी भाई आज है अपना फ्राइडे, फ्राइडे नाइट आ तो भाई फ्राइडे आज, और आज करने वाले बड़ी तगड़ी सगड़ी मस्ती सस्ती। वैसे तो आज काम ही है निपटाने के लिए, मस्ती तो क्या ही होगी, बट हाँ आज जिम जाना है, कॉलेज में प्रेजेंटेशन है वो देनी है, और क्या क्या काम है, बाइक का काम हो सके तो भाई आज निपटाना है संडे राइड से पहले, क्योंकि संडे राइड पे होगा फोटोशूट। और जो हेलमेट का वाइजर टूटा था वो भी देखते हैं आज लेने जाएंगे या फिर नहीं। और भाई एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ यार, अगर आप लोग नए हो भाई लोग इस चैनल पे, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को कर दो ऑल पे। और भाई एक रिक्वेस्ट और, छोटी सी रिक्वेस्ट, ठीक है, जो लोग पहले से भी सब्सक्राइबर्स है, अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, क्योंकि आपके एक शेयर से मेरी बहुत हेल्प हो सकती है यार, तो कर देना और एक लाइक भी कर ही देना लगे यार। बाकी हम निकलते हैं फटाफट से, चलते हैं कॉलेज। देहरादून में कितनी ठंड हो रही है अभी, वैसे सही बताओ तो इतनी ठंड लग नहीं रही है मुझे, और मैं अपना ब्लेजर पहन चुका हूँ क्योंकि इतना ठंडा हो नहीं रहा है, बस आज मौसम दिखने में ठंडा है बट उतना ठंडा मौसम है नहीं। चल भाई पीपीटी निकाल, बस मुझे पीपीटी अभी लर्न नहीं हुई है ढंग से। बाकी देखो पब्लिक स्पीकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो ऑब्वियस है यूट्यूबर हूँ, कितने लोगों के सामने खड़े करके। चलो भाई पीपीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कैच करते हैं तुम्हें थोड़ी देर में। तो भाई ये चल गई अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी, यहाँ पे सिद्धि तैयारी कर रही है, ये हमारी बिल्ली जी तैयारी कर रही है, वैसे दूसरा चैनल इनको पता नहीं होगा, तो हमारी श्रुति तैयारी कर रही है, और क्लास अभी खाली खाली थोड़ी देर में भर जाएगी। बाकी करते हैं तैयारी और देखते हैं क्या होता है। इन लोगों की तो चल रही है भाई यहाँ पे लड़ाई, इन्हें लड़ने दो। मैं तुम्हें एक बार यहाँ से व्यू दिखाऊँ भाई कॉलेज के बाहर का, ये पूरा नीचे अमूल है भाई, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मेरा अमूल थोड़ा और जूम कर लो, यहाँ पे बच्चे खा पी रहे हैं और हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं पहाड़ों के बीच में, ऐसे मौसम में प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही यार बताओ। Two hours later. मैं कुछ नहीं, मैं मारूंगा नहीं, हाथ में आऊंगा पक्की बात, इसे पकड़। नहीं जा रहा, ठीक है पकड़, अंदर जा, गार्ड पे नहीं जाना, ठीक है गार्ड पे नहीं जाना, ठीक है अथॉरिटी पे जा रहा हूँ। हाँ अथॉरिटी पे जा। अभी तुम्हें बताता हूँ आगे क्या सीन हो रहा है, बस पहले ही देख लो। तो भाई आज कॉलेज में एक बैड और एक गुड एक्सपीरियंस हुआ है, फिलहाल तो मौसम देख सकते हो बहुत ही खराब हो रहा है, घर जाते हैं तो मैं बताता हूँ क्या गुड है क्या बैड है, जो बैड है वो इतना दिमाग खराब कर रहा है मेरा, क्या बताओ। तो भाई कॉलेज से आ चुके हैं घर, और आज कॉलेज में एक थोड़ा सा गुड एक्सपीरियंस था, ठीक है, और एक बैड एक्सपीरियंस, बैड था और इतना बैड था, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना मेरा कॉलेज में भाई, मतलब आज मैं तुम्हें बिल्कुल जैसे बोलते ना ट्रुथ बता रहा हूँ आई एम एस का कुछ, जिससे ना खुद आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है ढंग से, आज तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, कॉलेज के बाहर एक फ्रेंड को स्कूटी से टक्कर लगती है, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक फ्रेंड साथ में थी, नाम मैं किसी ने ले रहा हूँ, एक फ्रेंड साथ में थी, उसके टक्कर लगती है स्कूटी से, ठीक है। टक्कर लगने के बाद हम लोग उसे पहले साइड में बिठाते हैं कॉलेज के जस्ट यहाँ पे, ये लगा लो जितना दूरी पे, ये ग्रीन वाला ये दिख रहा है ना, ये वाला इसकी जो वॉल है यहाँ तक कॉलेज का गेट है, और एग्जैक्ट इस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे टक्कर लगती है, कोई गार्ड आगे नहीं आता कॉलेज का, ठीक है, पता नहीं देखा नहीं देखा ये आई डोंट नो, बट ऐसा होता है कोई गार्ड आगे नहीं आता, हम लोग उसको खुद पहले साइड बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, उसके पैर में ठीक ठाक लग जाती है, ठीक है, चक्कर भी आ रहे होते हैं। उसके बाद जब थोड़ी देर 5-10 मिनट वेट करने के बाद हमने सोचा इसको लेके चलते हैं कॉलेज की इन्फर्मरी में, पहले हम मैक्स जाने का सोच रहे थे बट फिर हमने कहा पहले इन्फर्मरी में ले जाते हैं एक बार, ठीक है। इन्फर्मरी में जाने के लिए भाई उसने जब उठी तो उससे वहाँ पे चला नहीं गया, तो हुआ कि अंदर से फटाफट से ले आते हैं गाड़ी, मतलब स्कूटी ले आते हैं अंदर से, स्कूटियाँ बिठा के ले जा लेंगे। मेरी स्कूटी खड़ी थी कॉलेज के अंदर वाली पार्किंग में, जहाँ पे मैं बाइक खड़ी करके तुम्हें दिखाता हूँ,
बिल्कुल अंदर जाके वहाँ पे जो दूसरी एक फ्रेंड है उसकी स्कूटी जस्ट कॉलेज से अंदर घुसते ही राइट में एक पार्किंग है वहाँ खड़ी थी, तो मैं उसकी स्कूटी की चाबी लेके जाता हूँ, उसकी स्कूटी लेके बाहर आता हूँ। भाई ऐसा टाइम है किसी को हेलमेट पहनने की वो नहीं होगी कि भाई तुम रुको हेलमेट पहनो फिर उसके बाद अपने दोस्त को देखो, ठीक है। तो उसकी स्कूटी लेके मैं बाहर आता हूँ, उसे स्कूटी पर बिठाता हूँ जिस फ्रेंड की लगी थी, ठीक है। कॉलेज के अंदर जाता हूँ, अंदर उसके साथ भाई गार्ड भाई साहब हमें रोक लेते हैं, ये एक ही गार्ड है यहाँ की, फ़ोटो लगा दूंगा भाई इसकी, ठीक है। ये एक ही गार्ड है हमेशा जो भाई चुल क्रिएट करता है, ठीक है, साफ बोलूँगा चुल क्रिएट करता है हर मैटर में, हर किसी के साथ बिहेवियर बहुत ख़राब। अब अंदर घुसते हैं, घुसते ही साथ भाई मुझे पता है अपनी जॉब कर रहा है इसलिए वो आया, उसने रोका, उसने कहा पहले तो सबसे पहले वर्ड थे उसके कि भाई आप गाड़ी यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले वर्ड उनके थे कि आप गाड़ी यहाँ पर लगा दीजिए, आगे नहीं जाएगी गाड़ी। मैंने कहा भाई एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, मैंने कहा भाई इसके पैर में लगी है चोट इसलिए मैं इसको इन्फॉर्मली ले जा रहा हूँ फटाफट से, ठीक है, गाड़ी वापस आके यहीं लगा दूंगा। अब अगले वर्ड देंगे उसके कि नहीं गाड़ी आप यहीं लगाओ, ये वर्ड मेरे पूरे कंप्लीट नहीं होते, बोल रहा नहीं आप गाड़ी यहीं पर लगाओ और आप हेलमेट पहन के अंदर जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने उसको दो बार बता दी, उसके पैर में चोट लगी है, इमरजेंसी हूँ, जल्दी में हूँ। ये भी बोला कि भाई अभी इमरजेंसी का टाइम है, मैं कोई हेलमेट नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, सीधा मैं उसको अभी इन्फॉर्मली ले जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। भाई बंदा सुनने को रेडी नहीं। उसके बाद मैंने बोला भाई ना गाड़ी मेरी है ना हेलमेट मेरा, किसी और का हेलमेट मैं नहीं लगा सकता। ये चीज़ मैंने साफ बोली, उसके बाद भी उसको पता है ना कि गाड़ी आप यहीं लगाओगे। मैंने साफ कहा, मैंने कहा ऐसा है थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ भाई, मैं तुम साइड हटो, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद ये बोल के मैं चले जाता हूँ आगे फ्रेंड को इन्फर्मरी में दिखाने, उसे मैं इन्फर्मरी तक सही सलामत एकदम पहुँचाता हूँ। उसके बाद जिसमें वापस आता हूँ, मेरी जो फ्रेंड आ रही होती है पीछे से, तीन चार फ्रेंड और आ रहे होते हैं, उनमें से दो मुझे बताते हैं कि जब गार्ड वापस आ रहा था तो उसने गार्ड को कहा, मतलब उस गार्ड ने एक दूसरे गार्ड को कहा जिस गार्ड ने रोका था, उसकी फोटो आई थी अभी सामने, ठीक है। तो उस गार्ड ने कहा कि भाई इसके झापड़ी मारना था अभी एक दूसरे गार्ड से, ये कहा एक स्टूडेंट के लिए कि भाई इसके झापड़ी मारना था अभी एक, मजाक हो रहा है क्या, झापड़ मारना था है। कॉलेज छोड़ो भाई, कहीं किसी को अथॉरिटी नहीं किसी को हाथ लगाने की, तुम तो फिर भी एक मामूली गार्ड हो कॉलेज के बाहर के, चाहे तुम मामूली गार्ड हो चाहे कोई भी हो, किसी पे कोई अथॉरिटी नहीं किसी के बच्चे को या किसी को भी हाथ लगाने की, ठीक है, और तुम बोल रहे हो झापड़ मारेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई, एक तुम समझ रहे हो, मैं स्टूडेंट हूँ उस कॉलेज में और स्टूडेंट को कहा जा रहा है एक गार्ड के थ्रू कि भाई तुम्हारे झापड़ मारूंगा एक, तो मतलब ये सुन के भाई पहले गुस्सा भी आया, एक वो भी हुआ कि यार कैसी जगह पे पढ़ रहे हैं हम, कैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नाम कहाँ खराब हुआ, किसका खराब हुआ, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी का नाम खराब हुआ मेरे माइंड में जो इमेज बनी, ठीक है। बट एक्चुअल में किसका बिहेवियर गलत था, गार्ड का। अब यहाँ पे मेरा कॉलेज से भी वो हो गया इस जगह पे कि यार क्या कॉलेज में, और ऐसे सिनेरियोस पहले भी हुए हैं जितनी बार हुए हैं ना, हमेशा ये आया कि क्या यूनिवर्सिटी में आ गए, क्या IMS का नाम ही मतलब ख़राब हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पहले तो मेरे को था कि मैं गार्ड के पास जाऊँगा, तुमने सीधी आवाज़ दिखाओ, क्योंकि मतलब बहुत गुस्से में था कि भाई कैसे बोल सकता कोई ऐसे। उसने बड़ा रोका कि ठीक है नहीं तू अथॉरिटी पे जा, मैं अथॉरिटी पे गया, मैंने वहाँ कंप्लेंट करी। सबसे अच्छी चीज़ इस केस में यही हुई कि उन्होंने बहुत तसल्ली से आराम से उन्होंने सुना, ठीक है, कोई वो नहीं करा, या तो उन्होंने मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोला हो कि भाई तुम रूड हो रहे होगे ऐसा कुछ, उन्होंने आराम से मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे गार्ड से, हम बात करते हैं, आप जाके अपनी फ्रेंड पे चेक करो, मतलब फ्रेंड को चेक करो। उतने में वहाँ पे दो सर और भी खड़े थे, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, वो सर भी आए, उन्होंने जिस फ्रेंड की चोट लगी थी इन्फॉर्मली में जाके उसको देखा और इन सर ने उनसे बात करी होगी। तो ये चीज़ कॉलेज की अच्छी थी। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, पता है क्या, अब इसमें गलती कहीं पर भी IMS की नहीं थी, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी, बट मेरे माइंड में उसकी गलत इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि भाई ये गार्ड उसी कॉलेज के गार्ड है ना, भले ये किसी और कंपनी के हो, GIS के गार्ड हैं, तो उसके गार्ड्स हैं। अब क्या हो रहा है, इन गार्ड्स की वजह से मेरे ही नहीं हर एक बच्चे के दिमाग में जो यूनिवर्सिटी की इमेज बन रही है, वो यूनिवर्सिटी की इमेज ख़राब बन रही है। क्यों? क्योंकि गार्ड्स का बिहेवियर बहुत ख़राब है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ही नहीं, अगर कोई और भी स्टूडेंट्स देख लेंगे ना IMS के, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कितनी बार तुमने गार्ड्स का भाई गलत बिहेवियर झेला होगा, हज़ारों बार झेला होगा, हम भी रोज़ ही झेलते हैं लगभग, मतलब इतनी बदतमीज़ गार्ड है क्या बताऊँ। और भाई इनके चक्कर में नाम ख़राब किसका होता है, कॉलेज का, कि भाई कॉलेज बेकार है और ये वो, बट एक्चुअल में कॉलेज नहीं है जो ऐसा बिहेव हमारे साथ कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है हमारे साथ वो गार्ड्स, और सारे ही गार्ड्स का नाम नहीं बोलूँगा इसमें भाई, ऐसा नहीं है, सारे गार्ड्स एक जैसे, बट स्पेशली भाई जिसकी यहाँ फोटो आ रही है, ये इसके मतलब हमेशा मतलब चुल रहती है, स्पेशल एक्स्ट्रा चुल, पता नहीं किस बात की। अभी तुमने ये जो फोटो भी देख रहे हो ना, ये किसी और वीडियो से मैंने निकाली, आज ऑब्वियसली मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा था, तो मेरे पास कैमरा वैसा वाला नहीं था, वरना ये सब चीज़ें शायद रिकॉर्ड ही हो जाती, बट छोड़ो। खैर भाई बात को यहीं ख़त्म करते हैं, बस जो भी था आज का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, बाकी जिस दोस्त के लगी थी वो भी सही है, अभी मूड ख़राब है लेकिन अभी तो एक काम करते हैं, अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, मूड सही करते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, जिम चलते हैं यार, जिम में मूड सही होगा। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अभी निकल रहे भाई हम लोग जिम के लिए, मूड वूड तो वैसे सेट हो चुका है। हेलो भाई, जय श्री राम। हाय 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 हाय।
तबाही है भाई इसकी आवाज़, तबाही एक नंबर की बिल्कुल। पर इतनी सूदिंग आवाज़ है ना इसकी भाई, इस बाइक से ज़्यादा किसी बाइक की आवाज़ सूदिंग नहीं हो सकती, इतनी सेक्सी। एक बार तुम देखो जरा लग कैसी दी है खड़ी हुई है, मतलब ऐसा बीस्ट बिल्कुल। बस अब एक दो चीज़ अपनी आने वाली है, इसके बगल में खड़ी होगी ना जल्दी से, तुम दूसरे चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कराओ वैसी वो हम लेके आते हैं फिर। हेलो भैया, आज मैं मोहल्ले से निकल नहीं पाऊंगा। हेलो भाई, कैसे हो? हेलो भाई, हेलो भाई, हमें जो फोन लेके घर से जल्दी जाओ खींचो भाई खींचो। चलो भाई चलते हैं फटाफट जिम, पहले थोड़ी सी गेड़ी शेड़ी हो जाए, मूड तो अपना एकदम अब चिल हो चुका है। इस पे बैठता हूँ ना भाई, मेरी सारी टेंशन सब बिल्कुल दूर हो जाता है एकदम। चलो भाई पहुँच गए हम लोग जिम में, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, आज मैं जल्दी आ तो गया हूँ पर भाई इतनी गाड़ियाँ हैं, मतलब इतने लोग भी होंगे ऊपर। गाड़ी मैं कहाँ लगाऊँ गाड़ी। शिवान भाई क्या कर रहे हो तुम इसका मुंह तो बंदरों से मिलता जुलता हो गया कहीं ना कहीं भाई, लेकिन लेकिन उसने वो कंट्रोल बिठा लिया। अच्छा तुम अपना कल वाला डांस सिखाओ भाई, ऐसा तैयार दो भाई, चलो भाई एक डांस दोबारा, जनता मांग रही है। अरे जनता मांग रही है, मैं निकल रहा हूँ। स्पाइडरमैन वाला भाई, वो गर्मी गर्मी वाला भाई, एक काम करो, तुम्हें एक अथॉरिटी देता हूँ, भाई की क्लिप निकालो इस वीडियो में से, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े रील बनाओ, मुझे टैग करो, जिसकी सबसे अच्छी रील लगेगी ना मैं उसके कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करूंगा। मजा आएगा, फुल मजाक सेट के मजा आएगा। ऐसी आएंगे अभी और। तो भाई मैं जिम आधा छोड़ के निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक ऐसी बात पता चली है ना, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। आज अपने बेटे का बर्थडे भाई, आज रिदम का बर्थडे है ये भाई साहब, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं 30 तारीख के उसमें हूँ, आज 1 मार्च है, मेरे को 1% याद नहीं भाई, 1% याद नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल, बताओ यार, बेटे का बर्थडे भूलिए बिल्कुल ही। बट चलते भाई फटाफट से इसके पास, केक लेके जाएंगे, एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं बेटे का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ यार। बट चलते फटाफट से इसके पास और इसको केक लेके चलते हैं, आधी एक्सरसाइज छोड़ के निकल रहा हूँ भाई। हाँ एक तो ये इतने खास दोस्त होते हैं ना भाई, इनका बर्थडे याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ पे? आजा बाहर आजा करके आजा। हेलो नमस्ते, बढ़िया एकदम। अच्छा अच्छा पागल हो गया। नहीं मिलता तो है मेरे को मोहल्ले में है? मिलता तो है और कहाँ जा रहे हो? बस दोस्त के घर जी। ओके भाई साहब, आजकल सब जगह लोग मिलते हैं। बेटे के घर पहुंच गए भाई, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। अबे भाई कॉल करी बोल भी नहीं सक रहा एक भी बार है। अरे मैं बिजी था अभी करने से। लो भाई पहुंच गए हम लोग बेटे के घर। हेलो गाइस, अभी मिलाते तुम्हें इससे भाई। अपने बेटे का आ चुका है यहाँ पे बर्थडे केक, इस पर हमने रिट्टू लिखवाया है क्योंकि मम्मी पापा भी होंगे इसके, तो हम बेटा नहीं लिखवा सकते, बाकी ये नींद में है यहाँ पे। और इससे ज़्यादा बर्थडे बॉय तो आज मैं लग रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट मैंने कॉकटेल में जाना है, हालांकि मैं पीऊँगा नहीं, और घर वालों के साथ खाना पीना खाना है। क्यों बेटे? पीना अच्छी बात नहीं है, पीना चाहिए। ये इसके अलावा इसने सब झूठ बोलता है, ये चीज़ें जिंदगी में सच बोलता था। तो भाई आगे हम लोग पार्टी में रिदम का बर्थडे उठ निपटा के, उसके घर में मैंने ज्यादा शूट नहीं करा, फटाफट से केक कटा के हम निकल गए। बाकी यहाँ पे मौसी, और मौसी आपका भी चैनल है ना? हेलो, हाँ जी मेरा है, एपिक ब्लॉगर था पहले, लेकिन अब गुप्ता फैमिली कर दिया नाम, गुप्ता फैमिली। फटाफट से जाओ भाई कर लो सब्सक्राइब, मौसी के सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए भाई 08 शशांक की भाई की वीडियो देख के आना, ठीक है भाई। बाकी भाई मम्मी भी यहाँ पे है, एक फंक्शन में आए थे, बाहर ज्यादा शूट नहीं करा क्योंकि भाई हल्ला बहुत हो रहा था।
ये लो भाई हमारी छोटी सी बुड्ढी है यहाँ पे छोटी सी बुड्ढी। सो बॉयज एंड गर्ल्स अभी घर पे आ चुके हैं और पार्टी में आपको ज्यादा दिखाया नहीं यार क्योंकि काफी गाने वाने चल रहे थे तो ज्यादा बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए बस फटाफट से खाया पिया और आ गए। बाकी भाई आते हुए बहुत बहुत बाकी भाई आते हुए एक बहुत 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 खतरनाक इंसिडेंट हुआ, अभी कसम से मरते मरते बचे हैं भाई। इतना तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता ना अभी कार का, क्या बताऊँ, मैं ही ड्राइव कर रहा था, बस क्या बता ही नहीं सकता मैं ब्लॉग में, अभी क्या ही बताऊँ, बच गया, बस पूरी फैमिली के साथ था। एक तो ना लोग पता नहीं पी के क्यों चलते रास्ते में, तो भाई तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है यार, अगर तुम पीते हो या तुम्हारे घर में कोई पीता है तो भाई पियो, बट एटलीस्ट पीने के बाद गाड़ी मत चलाओ बिल्कुल भी। और मेरी तो रिकमेंडेशन भाई, अगर तुम छोटे छोटे बच्चे हो या फिर कोई भी हो, मेरी एज के भी हो या मेरे से बड़े हो, एडवाइस लेने में कोई ज़्यादा नहीं है कुछ, प्लीज़ दारू वारू जैसी चीज़ों से दूर रहो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में अगर इन जैसी चीज़ों से दूर रहोगे। बाकी बस आज बच गए भाई, माता रानी की कृपा थी, कौन से टाइम के अच्छे कर्म होंगे जो भाई आज काम आ गए, बस बच गए। जय माता दी, जय श्री राम। बाकी ये सब छोड़ो, अभी सबसे अच्छी बात यही है भाई कि कल है सैटरडे और आज तुम्हारा भाई यहाँ बैठ के अपना एडिटिंग करेगा, अभी उसके बाद सो जाएगा मस्त, तुम्हें कल 2 बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, आराम करूँगा कल, मैं आराम से सोऊंगा, पूरे हफ्ते की नींद कल पूरी करूँगा। बाकी भाई आज की वीडियो आई होप करता हूँ वैसे पसंद आ जाए, आज की वीडियो में तो कुछ था नहीं, बट फिर भी वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो कॉलेज में हुआ उसे भी बुलाते हैं अब, और मिलते हैं आप लोगों से एक नए दिन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।